देश में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार प्रयास कर रही है। आए दिन नए नए रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में ठाणे जिले के कल्याण और मुरवार को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के लिए सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। फिलहाल यहां पर जमीन का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कल्याण मुरवाड़ प्रस्तावित रेलवे लाइन पर जो जमीन रेलवे के सर्वे में आ रही है, यानी कि सर्वे के दायरे में आ रही है, वहां पर अवैध कब्जा शुरू हो गया है। दरअसल एक स्थानीय संस्था का दावा है कि प्रस्तावित जमीन के मालिक सरकारी खजाने को लूटने की फिराक में हैं। उनका कहना है कि जब से रेलवे ने यहां लाइन बिछाने की बात की है, यानी यह खबर सामने आई है कि यहां पर रेलवे लाइन विस्तारित की जाएगी, तभी से जमीन मालिकों ने उस पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा हासिल कर सकें। बताया जा रहा है कि जमीनों के मालिक भूमाफियाओं की मदद से पेड़ लगा रहे हैं, यहाँ तक कि पतरे का शेड और मकान बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जमीन के मालिकों की इस काली करतूत की शिकायत पर हित चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष विशाल कुमार गुप्ता ने रेलवे के अधिकारियों से लेकर महसूल और प्रांत अधिकारियों से की है। शिकायतकर्ता विशाल गुप्ता ने कहा कि कुछ अधिकारियों की मिली भगत से राजनीतिक दलाल और जमीन के मालिक रात दिन निर्माण कर बड़े बड़े शेड बना लिए हैं, ताकि अधिक से अधिक मुआवजे के रूप में सरकारी खजाने को लूट सकें। देखिए, विस्तार से तो हमने शिकायत की है और उपविभागीय अधिकारी ने आश्वासन भी दिया है कि हमने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जमीन लेवल पे कुछ ऐसा दिखता नहीं है। तो जाहिर है कि गोलमाल इसमें चालू है। एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमारा आपका ये परम कर्तव्य है कि ऐसी कोई भी भ्रष्टाचार की बात सामने आती हो उसे सरकार तक पहुंचानी चाहिए, समाज में उजागर होना चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला चल रहा है, जैसे कि शेड की बात है, लोगों को जैसे पता चला शेड बना रहे हैं, एक शेड का कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए, ऐसे सैकड़ों शेड तैयार हुए हैं। यही नहीं, लोग झाड़ लगा रहे हैं, वन विभाग वाले खेती बता रहे हैं, जो झाड़ खड़ा किए जा रहे हैं सर्वे के टाइम पे और वो गिनती में लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बोरवेल, एक बोरवेल की पाइप ला के खड़ा कर दे रहे हैं रस्सी बांध के, उसी पाइप को जगह जगह पे शिफ्ट करके, और यहाँ पे बोरवेल था ऐसा भी दर्शाया जा रहा है। तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार इसको गंभीरतापूर्वक ध्यान में लेवे, और इसमें काफ़ी हद तक लोकल लेवल पे हमारे जान माल का भी अभी खतरा हो गया है। तो हम ये भी गुजारिश करेंगे संबंधित अधिकारियों से कि हमें भी प्रोटेक्शन प्रदान करें। जो प्रोजेक्ट है कल्याण मुरवाड़ रेलवे, इसका प्रपोजल रेलवे ने फरवरी में कलेक्टर ऑफिस को दिया था, उसके साथ उन्होंने एक ड्रोन सर्वे भी किया था। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल 2023 में आया है, इसलिए जो भी शेड इलीगली बनाए गए है ड्रोन सर्वे के बाद बनाए गए या जो भी है, ये सब कॉल रेलवे लेने वाला है। मेरी पूरे फार्मर लोगों से यही अपील है कि आपके लैंड पे किसी भी तरह का इलीगल शेड आप मत बनाइए। इसका जो मुआवजा है वो मिलने की संभावना बहुत कम है। जो लीगल है उनको ये सब मुआवजा मिलने वाला है। जो है गिने जाए पेड़ के लिए भी वही क्राइटेरिया रेलवे लगाने वाले हैं। उनका सर्वे के वक्त जितना भी पेड़ वहाँ पे रहेंगे उनको उसका मुकदला मिलेगा।